हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला और एट द रेट डॉक्टर आलम। आई एम मोहम्मद वैस आलम, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ नेशनल एग्जिट टेस्ट यानी नेक्स्ट के बारे में। तो शुरू से लेकर अब तक क्या अपडेट रहे हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन थे और 2021 बैच से जो ये एग्जिट का एग्ज़ाम है लगने वाला है, इसके पीछे का क्या प्रूफ है और क्या तरीका रहेगा, पूरा इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। तो सबसे पहले तो जो नेक्स्ट के नोटिफिकेशंस हैं, ऑफिशियली कोई इस बारे में नहीं आया था कि एग्ज़ाम किस तरीके से होगा, कब होगा और कैसे होगा। जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन इससे रिलेटेड आया है NMC की तरफ से, वो आया था जून 2000। तो आप सब ने उस टाइम पर देखा होगा जून 2023 में जो नोटिफिकेशन आया था, इसमें पहली बार बताया गया था कि नेक्स्ट एग्ज़ाम जो दो टायर में होगा, स्टेप वन और स्टेप टू में, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे और किस किस सब्जेक्ट से क्या फॉर्मेट रहेगा और किस लिए कराया जा रहा, पूरा जो डिटेल में पहली बार बताया गया था। उससे पहले सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन इससे रिलेटेड आ रहे थे कि नेक्स्ट होगा और पहले बोला गया था जो 2019 बैच है MBBS का उससे इसको अप्लाई कर दिया जाएगा। हालांकि 2019 में भी इसको अप्लाई नहीं किया गया, क्योंकि जैसे ही वहां से नोटिफिकेशन NMC की तरफ से आया, स्टूडेंट ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया और इसको वापस ले लिया गया। तो वीडियो के पहले पार्ट में तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है इसमें कौन कौन से स्टेप और उसमें क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं और क्या पर्पज़ है जो नोटिफिकेशन जून 2023 में आया था उसके हिसाब से। तो सबसे पहली बात, अगर पर्पज़ की बात की जाए, जो नेक्स्ट का पर्पज़ रहेगा वो है लाइसेंस देने के लिए। अभी तक इंडियन जो मेडिकल ग्रेजुएट होते थे उनको लाइसेंस के लिए कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना होता था, सिर्फ जो फॉरेन के स्टूडेंट थे उनको लाइसेंस के लिए FMG देना होता था। लेकिन अभी जो नेक्स्ट के हिसाब से जितने भी स्टूडेंट, वो चाहे इंडिया के हों बाहर के हों, वो अभी नीचे में बताऊंगा। तो यहाँ पर एग्जामिनेशन जो कराया जाएगा, एक मेन इसका जो मोटो है वो है लाइसेंस देने के लिए और दूसरा जो मेन मोटो है वो है एडमिशन होने के लिए। पहले क्या होता था, नीट PG अभी तक होता आ रहा है उसकी बेस पर ही एडमिशन हो रहा था, लेकिन आगे से इन दोनों काम के लिए, यानी आपको लाइसेंस देने के लिए भी और आपका नीट PG में एडमिशन होने के लिए भी, दोनों के लिए क्या स्कोर देखना होगा, सेम नेक्स्ट का स्कोर देखा जाएगा। अब दूसरी बात आती है कौन इसको देगा, ऑल इंडियन ग्रेजुएट फॉर लाइसेंस, मतलब जितने भी इंडिया से MBBS किए हुए स्टूडेंट, चाहे गवर्नमेंट हों, प्राइवेट हों, नेशनल इंस्टीट्यूट हो, किसी भी हो, तो उनको क्या होगा, नेक्स्ट देना होगा लाइसेंस लेने के लिए। दूसरा, ऑल फॉरेन ग्रेजुएट फॉर लाइसेंस, एंड थर्ड कौन से स्टूडेंट्स होंगे, ऑल प्री लाइसेंस्ड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, फॉर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, यानी ऐसे लोग जो अब से पहले ही MBBS कंप्लीट कर चुके हैं उनको लाइसेंस भी उसकी बेस पर मिल चुका है, प्रैक्टिस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, लेकिन वो अब आगे नेक्स्ट के अप्लाई होने के बाद अगर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको फिर से नेक्स्ट एग्जाम देना होगा, भले ही पहले उनके टाइम पर नहीं था, क्योंकि अभी जब वो एग्ज़ाम में एडमिशन लेना चाहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में, उस टाइम पर नेक्स्ट लागू हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो इसमें कौन कौन से स्टेप हैं, तो दो स्टेप रहेंगे। अभी इनकी क्या टाइमलाइन है 2021 बैच के लिए, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टेप वन और स्टेप टू के रूल्स एंड रेगुलेशंस को देख लेते हैं। आपको पता होगा जो पहला स्टेप है वो है नेक्स्ट स्टेप वन और जो दूसरा स्टेप है वो है नेक्स्ट स्टेप टू। जो पहला स्टेप है यानी नेक्स्ट स्टेप वन, ये आपके MBBS थर्ड यानी जो आपका फाइनल MBBS है उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप देना है, स्टेप वन देना है, और जब आप इसमें पास हो जाते हैं तब आपकी इंटर्नशिप चलेगी, ठीक है। और जो दूसरा स्टेप है ये क्वालिफाइंग है जस्ट, ये कब होगा, जब आपकी जो इंटर्नशिप है वो कंप्लीट हो जाएगी तब आप नेक्स्ट टू देंगे, ठीक है, ये जस्ट क्वालिफाइंग है। और जो नेक्स्ट वन का स्कोर है ये आपके नीट PG में एडमिशन के लिए भी देखा जाएगा और आपको लाइसेंस के लिए मिनिमम 50% मार्क्स यहाँ पर लाना होगा। बाकी जो पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस मैं स्टेप वन के आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप वन है ये क्या है, थ्योरी एग्ज़ाम होगा। जैसे अभी तक फाइनल एग्ज़ाम होता था फोर्थ ईयर में, अब वो यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं होगा, सिर्फ आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना होगा, उसके बदले आपको नेक्स्ट स्टेप वन देना है। यहाँ पर टोटल जो पेपर होगा वो MCQ टाइप का होगा, लेकिन इसमें MCQ मोर देन वन टाइप के होंगे, यानी क्लिनिकल बेस्ड हो सकते हैं, मैच द फॉलोइंग हो सकते हैं, और अलग अलग तरीके जो MCQ पॉसिबल हैं वो यहाँ पर डाले जा सकते हैं। इसके बारे में डिटेल आपको बता दिया जाएगा जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा। दूसरी बात, यहाँ पर ये जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। फिर उसके बाद अगर यहाँ पर सब्जेक्ट की बात की जाए, जो नेक्स्ट स्टेप वन में आएंगे वो आएंगे MBBS थर्ड ईयर के। अब MBBS थर्ड ईयर में आपको पता होगा दो पार्ट होते हैं, एक होता है पार्ट वन जिसमें आपका ENT आ जाता है, ओप्टा आ जाता है, PSM आ जाता है, और कुछ कॉलेजेस में FMT सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाता है और कुछ में थर्ड में, तो ये भी किसके अंदर आ जाएगा, MBBS थर्ड के अंदर आ जाएगा। दूसरा, फाइनल MBBS स्टूडेंट यानी पार्ट थर्ड जो है, कौन सा MBBS पार्ट थर्ड का जो पार्ट टू है, इसके अंदर जितने भी मेडिसिन, सर्जरी, ऑप्स, गाइनी जो मेजर सब्जेक्ट है उन सबको भी यहाँ पर इंक्लूड किया, ऑप्थेल्मोलॉजी, तो यहाँ पर सभी इन सब्जेक्ट को इंक्लूड किया जाएगा। उसके साथ ही जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर
के जो सब्जेक्ट है उनके क्लिनिकल आस्पेक्ट्स को भी यहाँ पर पूछा जाएगा। यानी अगर एक बार को देखा जाए तो MBBS के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी से यहाँ पर क्लिनिकल क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो सभी वो स्टूडेंट जिन्होंने MBBS फाइनल ईयर की जो क्लासेज हैं वो कंप्लीट की हैं तो वो यहाँ पर एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अगर बात की जाए तो जो नेक्स्ट वन है ये साल में दो बार होगा, एक बार होगा मई में और दूसरी बार होगा नवंबर में, ठीक है। तो जो स्टूडेंट पहली बार में अगर पास नहीं कर पाते वो सेकेंड टाइम पर भी दे सकते हैं। यहाँ पर अगर अटैम्प्ट की बात की जाए तो कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जितनी बार चाहें नेक्स्ट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, नेक्स्ट वन भी और नेक्स्ट टू भी। लेकिन ये जो पहले वाला रूल था कि आपको जो है MBBS के एडमिशन के बाद 10 ईयर्स के अंदर अंदर आपको कंप्लीट करना है, तो इन 10 ईयर्स के अंदर अंदर ही आपको जो है नेक्स्ट वन और टू क्वालिफाई करना होगा, तभी आपको यहाँ पर एलिजिबल माना जाएगा लाइसेंस के लिए। और दूसरी चीज़ यहाँ पर जो बोली गई है वो ये कि एक बार स्टूडेंट अगर नेक्स्ट वन को क्वालिफाई कर लेता है तो आपको पता है उसके मार्क्स जो हैं आपके नीट PG में भी जोड़े जाएंगे, और जैसे ही आप नेक्स्ट वन को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप जो है इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल होंगे, यानी आपकी इंटर्नशिप शुरू हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि आप कितनी भी अटैम्प्ट नेक्स्ट वन का दे सकते हैं, तो एडमिशन जैसे ही आपकी इंटर्नशिप शुरू हुई तो आप चाहें कि इंटर्नशिप के टाइम पर ही आप दूसरा जो नेक्स्ट वन है उसको दे दें अपना स्कोर इंप्रूव करने के लिए। ऐसा नहीं होगा, ये आपको साफ इस कॉलम में देखने को मिल जाएगा। अगर आप नेक्स्ट वन क्वालिफाई कर लेते हैं और आपके मार्क्स जो मेरिट के हिसाब से कम है और आप चाहते हैं नेक्स्ट वन को दोबारा देना, तब भी आप इंटर्नशिप के दौरान नहीं दे सकते। आपको पहले नेक्स्ट टू को कंप्लीट करना होगा, पहले इंटर्नशिप कंप्लीट करनी होगी, फिर नेक्स्ट टू को क्वालिफाई करना होगा जिसके मार्क्स आपके नीट PG के लिए नहीं जुड़ेंगे। फिर जब आप नेक्स्ट टू को क्वालिफाई कर लेंगे तब आप नेक्स्ट वन दोबारा दे सकते हैं। यानी मिनिमम एक बार आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो एक साल के बाद जब आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगी तभी नेक्स्ट वन दोबारा दे सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। तो इस पार्ट को भी आप यहाँ पर देखेंगे। फिर अगर नेक्स्ट टू की बात की जाए तो यहाँ पर जो है आपको नेक्स्ट टू सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होगा वही सेम सब्जेक्ट जो फर्स्ट में रहे थे, यानी पूरे MBBS के लगभग, और मेनली जो सब्जेक्ट्स रहेंगे वो रहेंगे MBBS थर्ड ईयर पार्ट वन और पार्ट टू, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो क्लिनिकल और वाइवा जो एग्जामिनेशन है वो अलग से इसके बाद कराया जाएगा, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ अटेम्प्ट की बात की जाए तो नेक्स्ट टू में भी आपके लिए कोई लिमिट नहीं है, जितने चाहें आप दे सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर क्वालिफाई जो है नेक्स्ट 10 ईयर के अंदर ही आपके एडमिशन के बाद करना होगा, ठीक है। और नेक्स्ट वन की तरह ही ये भी साल में दो बार कराया जाएगा और सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम भी नेक्स्ट टू के लिए दो बार कराए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर स्कोरिंग की बात की जाए तो जितने भी आपका मार्क्स का पेपर होगा उसमें से 50% आपको लाने होंगे नेक्स्ट वन को क्वालिफाई करने के लिए, और उसके ऊपर जो भी रहेगा आपकी मेरिट लगेगी। नेक्स्ट टू में आपको जो है क्वालिफाइंग मार्क्स सिर्फ लाने होंगे, उसको आपकी मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है। अब मिनिमम स्कोरिंग की बात की जाए तो आपको 50% मार्क्स यहाँ पर लाने होंगे स्टेप वन के अंदर। और एक और चीज़ क्वालिफाइंग के लिए यहाँ पर एक क्राइटेरिया और दिया गया है कि मान लीजिए टोटल 6 सब्जेक्ट हैं और उसमें से पहली बार में आप जो एग्ज़ाम देते हैं 2 में पास हो जाते हैं, बाकी 4 में फेल हो जाते हैं, तो अगला जो 6 महीने बाद एग्ज़ाम होगा आप उसमें ये वाले सिर्फ 4 एग्ज़ाम दे सकते हैं और इसमें पास हो जाते हैं तो आपकी इंटर्नशिप वहीं से शुरू हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए आपने दोबारा दिया, पहली बार में आपके 2 सब्जेक्ट पास हो गए, आपके 4 बचे, आपने दोबारा दिए 4, उसमें से आप 3 में पास हो गए, फिर बचा 1, तो उससे अगली बार जो नेक्स्ट होगा उसमें आप 1 देंगे, जब टोटल क्लियर हो जाएगा तब आपका जो इंटर्नशिप है शुरू होगी, और जब इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आप नेक्स्ट 2 डे देंगे, ठीक है। तो ये रहेगा नॉर्मल प्रोसीजर। तो ऐसा नहीं है अगर एक भी एग्ज़ाम में आप फेल हो गए तो दोबारा से सारे देने हैं, जो आपको फेल होगा उसी में आपको दोबारा देना है, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर बात करता हूँ जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो एप्लीकेबल कब से होगा। हालांकि आप सबको पता होगा जो शुरुआत में NMC ने बोला था, वो बोला था जो MBBS बैच 2019 है यहाँ से नेक्स्ट को अप्लाई कर दिया जाएगा, लेकिन 2019 में तो नहीं हुआ, इसको मना भी कर दिया गया। फिर उसके बाद बोला गया कि जो 2020 बैच है उसमें इसको अप्लाई किया जाएगा, और इसके लिए अभी पूरी तरह से ये नहीं कहा गया है कि नहीं होगा, लेकिन ज़्यादातर चांस है नहीं होगा। उसका रीज़न क्या है कि जब दोबारा से इसका नोटिफिकेशन आया था, मतलब पहली बार जो नोटिफिकेशन मार्च जो जून 2023 में आया, उसके बाद जो अगला नोटिफिकेशन आया था वो आया था अक्टूबर 2023 में, ठीक है। अक्टूबर 2023 में जो आया तो स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट और जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उनकी रिक्वेस्ट के बेस पर यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई है, और उस कमेटी का जो मेन काम है वो ये है कि इंडिया के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं और जितने भी टीचर्स हैं उन सबसे सलाह लेना कि इंडिया के अंदर जो नेक्स्ट को अप्लाई कराना कब से पॉसिबल है, और अगर अप्लाई कराया जाए तो क्या क्या उसके लिए रूल्स रखे जाएँ। जैसे इसमें कई सारे क्राइटेरिया थे, पहला क्राइटेरिया था कि स्टूडेंट को जो मेडिकल रजिस्ट्रेशन का जो प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट मिलेगा वो भी नेक्स्ट की बेस पर मिलेगा, दूसरा जो नेक्स्ट में PG के लिए आपका एडमिशन होगा वो भी इसी की बेस पर होगा। तो इतने सारे जो क्राइटेरिया एक ही एग्ज़ाम में रख दिए गए हैं, तो इसमें अभी जो कमिटी है वो ये रिव्यू कर रही है कि यहाँ पर सारे क्राइटेरिया को फुलफिल किया जा सकता है एक एग्ज़ाम से, या फिर इसको लिमिट किया जाए, यानी सिर्फ एक एग्ज़ाम एज अ लाइसेंस के लिए इसको रखा जाए, नीट PG में एडमिशन के लिए आपका कोई और एग्ज़ाम किया जाए जैसे अब तक नीट PG होता आ रहा था,
पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन के लिए। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट है उस कमेटी ने अभी तक नहीं दिया था। उसके बाद जो एक और नोटिफिकेशन जनवरी 2024 में, यानी अभी लगभग 1.5 से 2 महीना पहले एक नोटिफिकेशन आया, इसमें NMC ने सभी जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी टीचर्स हैं या मेडिकल फील्ड से जो भी लोग रिलेटेड हैं, उन सबसे ये पूछा है, एक फॉर्म निकाला था, उसमें पूछा था कि आपका रिव्यू क्या है, क्या क्या चीज़ें जो नेक्स्ट है उसमें रहनी चाहिए और क्या क्या उसमें से हटा देनी चाहिए। तो उसमें लगभग जो अभी नोटिफिकेशन दोबारा NMC की तरफ से आया था, 36,000 स्टूडेंट्स प्लस टीचर्स ने जो अपना रिव्यू दिया है, अब उस रिव्यू को देखा जाएगा, उन सभी में से क्या क्या चीज़ें काम की हैं उन सबको देख कर ही एक फाइनल जो रिजल्ट है वो कमेटी निकालेगी। ठीक है, अब इसको निकालने में, पूरा रिव्यू करने में मुझे लगता है कि जो 2020 बैच है वो तो अप्लाई नहीं होगा और उन पर ये नेक्स्ट अप्लाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऐसा भी है कि नेक्स्ट को अगर कराना है तो इनको कम से कम 6-7 महीना पहले पूरा क्लियरली बता देना होगा कब एग्ज़ाम होगा, क्या प्रोसेस रहेगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, क्योंकि अभी तक जो भी इन्होंने बताया है ये एकदम क्लियर नहीं है, पूरा हर क्वेश्चन का आंसर इनको देना होगा, उसके बाद ही नेक्स्ट को अप्लाई किया जाएगा। तो उसके बाद जो अगर शेड्यूल की बात की जाए, जो 2021 वाला बैच का शेड्यूल आया था NMC की तरफ से, ये टेंटेटिव एकेडमिक शेड्यूल जो NMC हर बैच के लिए निकालती है, ये जो 2021 बैच ओरिजिनल था, अब क्योंकि हमारा जो बैच था वो फरवरी 2022 से शुरू हुआ था, तो उस टाइम पर NMC ने इसको निकाला था, तो उस टाइम पर जो टाइमलाइन आई थी उसके हिसाब से जो हमारा नेक्स्ट वन एग्ज़ाम है, मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, 2026 में होना है, ये दिख रहा है आपको, नेक्स्ट वन मई 2026 में। फिर उसके बाद आपके हमारी जो इंटर्नशिप शुरू होगी, यहाँ पर जो है जून में यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकल्स होंगे, और फिर उसके बाद जो 2021 बैच है उनकी इंटर्नशिप शुरू होगी, और जो नेक्स्ट वो एग्ज़ाम है वो जुलाई 2027 में आपको यहाँ पर दिख रहा है, फिर उसके बाद जो है PG यहाँ पर शुरू हो जाएगा। तो ये टाइमलाइन MBBS बैच 2021 के लिए। अब क्योंकि 2019 में नहीं हो पाया, 20 में अप्लाई नहीं हो पाया, तो इसके ज़्यादा चांसेस हैं 2021 में ये लोग अप्लाई कर देंगे, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम बीच में इसमें है और रूल्स रेगुलेशंस बनाने के लिए, और जो कमेटी बनाई है वो शायद तब तक रिव्यू करके जो एक फाइनल रिजल्ट है वो दे दे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि 2021 में इसको अप्लाई कर दिया जाए। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरी थी क्या परमानेंटली इसको 2021 पर ही रखा जाएगा, इसकी 100% कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर चांसेस हैं कि इसको 2021 से अप्लाई कर दिया जाए। तो सभी लोग मेंटली प्रिपेयर्ड इसके लिए रहें कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं 2021 बैच से इसको अप्लाई कर दिया जाए, और 20 में अप्लाई होने के बहुत कम चांसेस हैं। ठीक है, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, तब तक के लिए थैंक यू।